हेलो टू एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एंड आज हम लोग बात करेंगे थर्ड वीक ऑफ अगस्त के पंजाब स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। हम लोग इस सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को पढ़ेंगे एज फार एज द प्रिलिम्स इज कंसर्न एंड मेंस इज कंसर्न। ठीक है, तो चलो। सो सबसे पहला जो करंट अफेयर है दैट इज़ जलियांवाला बाग मेमोरियल जो है इसका रेनोवेशन किया और रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको डेडिकेट किया है टू द नेशन, राइट। सो इसमें हम लोग पूरा का पूरा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे, इसकी करंट कंट्रोवर्सी पढ़ेंगे और साथ ही साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा कोई स्टेटमेंट है जिस स्टेटमेंट के ऊपर हमें एटलीस्ट 200 वर्ड्स लिखने हैं, वो भी प्रैक्टिस करेंगे इस पर्टिकुलर करंट इवेंट के ऊपर, राइट। सो इसके साथ साथ जो है ऑब्वियसली इट इज़ डिसाइडेड कि अब से हम लोग जो है 14th अगस्त को हर साल एज अ पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे जो है मनाएंगे, ठीक है। पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे भी मनाएंगे, इसके साथ साथ ये भी डिसाइड किया गया है, करेक्ट। चलिए, जो यूनियन गवर्नमेंट है काफ़ी कोशिश कर रही है अपनी तरफ से टू प्रिजर्व एंड प्रमोट दी सिख हिस्ट्री कल्चर, इसी के थॉट के साथ उन्होंने टर्निंग किया है, मतलब बेसिकली सुल्तानपुर लोधी जो है उसको एक हेरिटेज टाउन बनाया गया है और करतारपुर कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव लिए गए हैं, करेक्ट। चलिए, सो अब हम लोग बात करते हैं कुछ बैकग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग मेमोरियल के ऊपर। इसको पहली बार ओपन किया गया था तब जो प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑन 13th अप्रैल 1961। सो डेट्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट ठीक है, एक रिकॉल के लिए हम लोग याद रखते हैं कि 1961 का टाइम है और राजेंद्र प्रसाद ने इनको इस मॉन्यूमेंट को पहली बार ओपन किया था और एज अ ट्रिब्यूट टू विक्टिम्स ऑफ मैसेकर जो इस टाइम पे हुआ था 13th अप्रैल 1919, करेक्ट। चलिए, अब क्या नया है जलियांवाला बाग के अंदर जो रेनोवेटेड हुआ है, उसमें क्या आपको नया चीज देखने को मिलेगा? ऑब्वियसली हर शाम को आपको 28 मिनट का साउंड एंड लाइट शो होगा। ये साउंड एंड लाइट शो जो है इसमें दिखाया जाएगा कि वो सारे इवेंट्स दैट वर रिलेटेड टू 13th अप्रैल 1919, जो मैसेकर हुआ उसके रिलेटेड जो इवेंट्स हुए उससे रिलेटेड वो सारा साउंड एंड लाइट शो के अंदर दिखाया जाएगा। साथ ही साथ एक नया चीज़ की गई है, दैट इज़ सेल्वेशन ग्राउंड जो है वो बनाया गया है विजिटर्स के लिए, ताकि वो आराम से सिट हो सके, बैठे और साइलेंस में, और दे ऑनर द मार्टियर्स। तो वो ऐसा ग्राउंड भी बनाया गया है जहाँ पे आप थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं, यू कैन सिट इन साइलेंस टू ऑनर द मार्टियर्स ऑल्सो, करेक्ट। चलिए, और साथ ही साथ बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं जो मार्टियर्स के बनाए गए हैं आपको देखने को मिलेंगे रेनोवेटेड वाले मेमोरियल के अंदर। और एक चीज़ और की गई है, दैट इज़ कुछ गैलरीज जो हैं वो इनकॉर्पोरेट की गई हैं, और इन गैलरीज के अंदर आपको हिस्ट्री ऑफ पंजाब देखने को मिलेगा, हिस्ट्री ऑफ पंजाब, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट देखने को मिलेगा, और रिलेटेड टू गदर मूवमेंट आपको वो गैलरी के अंदर प्रॉपर डिपिक्शन मिलेगी थ्रू फोटोज एंड अदर थिंग्स, करेक्ट। ओके, एंड यू विल ऑल्सो फाइंड द स्कल्पचर्स ऑफ गुरु नानक देव, सिख वॉरियर बंदा बहादुर सिंह एंड अ स्टैचू ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। सो ये सारा जो है रेनोवेशन किया गया है, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको इंक्लूड किया गया है जलियांवाला बाग मेमोरियल के अंदर, करेक्ट। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कंट्रोवर्सी क्या है। कंट्रोवर्सी ये है, रिसेंटली जो रिवैम्प हुआ है, रेनोवेशन हुआ है, उसमें पहली चीज़ तो ये है कि लगभग 100 साल हो चुके थे 2019 तक 100 साल हुए हैं जलियांवाला बाग के। याद रखिएगा, ये इससे रिलेटेड हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, 2019 को 100 साल हुए जलियांवाला बाग को। तब तक जो है हमने एक बार भी ये जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस कौन सा, जो जलियांवाला बाग की तरफ एक नैरो पैसेज जाता है, नैरो एंट्रेंस जाता है टूवर्ड्स दी बाग, ठीक है। सो वहाँ पे हमने उसको वैसा का वैसा ही रखा था फॉर नेक्स्ट 100 ईयर्स तक, 2019 तक, बट जुलाई 2020 में इसको जो है रिबिल्ट किया गया, और रिबिल्ट करके इसको एक गैलरी बना दिया गया एज अ विद मूरल्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग वेंटिंग वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, और वो सारा का सारा अब चेंज कर दिया गया है। तो आई थिंक ये कंट्रोवर्सी है कि काफ़ी सालों तक इसको टच नहीं किया गया, जस्ट टू मेक श्योर कि ये जो मेमोरीज हैं ये बेसिकली रिकॉल की जाए बाय लुकिंग ऑल दोज थिंग्स। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, अब उसको पूरा रेनोवेट कर दिया गया है, वहाँ पे आपको कोई ट्रेस नहीं मिलेगा ओल्ड पैसेज का।
तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा कि मेमोरियल हमें वो चीज़ें याद नहीं दिला पाएगा जो एक्चुअली वहाँ पे हुई थी, बिकॉज़ काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं अब हो चुके हैं, राइट। तो ये आप ये एक पहली कंट्रोवर्सी है रिलेटेड टू दी एंट्रेंस, मतलब नैरो पैसेज, जो वो जो एंट्रेंस था, तो वो एक कंट्रोवर्सी है। साथ ही साथ आप मुझे ये भी ज़रूर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि जो जनरल डायर थे वो अपनी फौज के साथ जब जा रहे थे और उन्होंने एंट्री ले ली और देन दे स्टार्टेड देयर वॉट एवर द ऑपरेशन वो जो कर रहे थे उसके दौरान जो है, आप मुझे ये बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि वो जो रेजिमेंट थी वो रेजिमेंट कौन सी रेजिमेंट थी? इज इट पठान रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट? ऑब्वियसली सिख रेजिमेंट नहीं हो सकती, या गुरखा रेजिमेंट, या फिर आप कोई और रेजिमेंट, एक्स वाई जेड रेजिमेंट कोई भी बता सकते हैं। कौन सी रेजिमेंट थी जो बेसिकली जनरल डायर के साथ सोल्जर्स के सोल्जर्स थे, वो रेजिमेंट किस रेजिमेंट से बिलोंग करते थे? ये आपको पहली कंट्रोवर्सी तो समझ आ गई रिलेटेड टू दिस नैरो पैसेज। सेकंड कंट्रोवर्सी ये है कि जो आप जो फेमस शहीदी खू है, शहीदी खू कहते हैं या फिर मार्टियर वेल, जहाँ पे आपको पता है अपनी जान को बचाने के लिए बहुत सारे हमारे जो भाई थे, बहन थे, उन्होंने बेसिकली वहाँ पे उन्होंने जंप किया ताकि वो बच जाएं, लेकिन वहाँ पर भी नहीं बच पाए थे। सो वो जो शहीदी खू है या मार्टियर वेल है, इसमें भी बेसिकली चेंजेस ये किए गए हैं कि अब इसको एनक्लोज कर दिया गया है ग्लास शील्ड से। ग्लास शील्ड वहाँ पे चारों तरफ लगा दी गई है और इसका क्रिटिसिज्म ये किया जा रहा है कि ऑब्वियसली इट इज़ परसीव टू रिस्ट्रिक्ट द व्यू, मतलब वहाँ से फिर प्रॉपर व्यू नहीं दिख पाएगा। अगर इस तरीके से ग्लास आपने लगा रखा है तो उससे व्यू आप नहीं देख पाओगे, जो एक्चुअल वहाँ गोलियों के निशान है वो सारी चीज़ें। तो ये दो कंट्रोवर्सी है जो एसोसिएटेड है लेटेस्ट रिवैम्प से, आप ज़रूर याद रख सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, अब आपने 200 वर्ड्स का एक आंसर लिखना है रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कौन सी है? इट टॉक्स अबाउट द ट्रेजेडी ऑफ जलियांवाला बाग इज अ शेमफुल स्कार ऑन द ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको पता है कि 13th अप्रैल 2019, मैंने अभी बताया भी था, 13th अप्रैल 2019 में 100 साल पूरे हुए थे जलियांवाला बाग की हिस्ट्री को, 1100th ईयर, ठीक है, 100th ईयर एनिवर्सरी की गई थी, मार्क की गई थी, अंडरस्टैंड। सो इस टाइम पे इसी दिन बेसिकली जो टेरेसा मे है, उस टाइम पे जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं टेरेसा मे, उनकी ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी, याद रखेंगे, दिस वॉज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट। उन्होंने डिस्क्राइब किया था जलियांवाला बाग मैसेकर अमृतसर में जो हुआ था एज अ शेमफुल स्कार ऑन ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री, एज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्क द 100th एनिवर्सरी ऑफ ट्रेजिक इंसिडेंट। करेक्ट हो गया। सो ये इसके ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? ऑब्वियसली वी कैन स्टार्ट विद द प्रिलूड टू द फैक्ट इवेंट, कि कौन कौन सी घटनाएं हुई इस इवेंट से पहले, कौन कौन सी घटनाएं हुई जिसकी वजह से ये घटना एक्चुअली हुई, और इसकी घटना घटने के बाद आगे कौन कौन सी पोस्ट इवेंट्स हुए वो भी हम लोग रिकॉल करेंगे, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है, बहुत सारे फैक्टर्स थे इस बैकग्राउंड के अंदर। पहली बात तो ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 तक चल रही थी, और उस सिचुएशन में क्या हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा रिप्रेसिव इमरजेंसी पावर्स जो है वो गवर्नमेंट को दे दी गई थी, और जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ग्रुप नहीं में काम नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें जो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी इंडिया के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। ऑब्वियसली गांधी जी ने तो खूब सारा सपोर्ट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, बोला था कि आप आइए इंडियंस को, एक तरीके से बार बार उनको प्रेरित किया कि आप आइए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए, ब्रिटिशर्स का सपोर्ट कीजिए, ठीक है। बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बेसिकली बहुत सारी इमरजेंसी पावर्स लगा दी गई थी। साथ ही साथ रॉलेट एक्ट, ब्लैक एक्ट के नाम से जाना जाता है, इसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया था उसी टाइम पे, 1919 का टाइम चल रहा है, एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, बिल्कुल इसको याद रखिएगा, एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट आपके पेपर में आएगा तो आप उसको क्या मेक श्योर करेंगे, इट इज अ रॉलेट एक्ट कंसर्न। ओके ओके, ठीक है। उसके अलावा सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल, आपको पता है सैफुद्दीन किचलू जो थे वो एक्चुअली एक मुस्लिम लीडर थे, ठीक है, मुस्लिम लीडर थे, एंड जो सत्यपाल थे वो एक सिख लीडर थे।
तो दोनों लीडर्स जो थे उनको रॉलेट एक्ट के तहत बंदी मतलब पकड़ लिया गया था, जेल में डाल दिया था, और ये सारा इंसिडेंट हुआ था। और यही मुद्दे को डिस्कस करने के लिए वो सारे लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में, और साथ ही साथ उनको नहीं पता था कि मार्शल लॉ जो है पंजाब में लग चुका है, उसकी ज़्यादा डिक्लेरेशन भी नहीं की गई, लोगों को बताया भी नहीं गया। इसकी वजह से वो बेचारे, उनको नहीं पता था, वो जलियांवाला बाग के अंदर इकट्ठे हो गए थे, बैसाखी वाला दिन था, और इस वजह से ये सारे डिसीजंस एक्ट हुए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअली उस इवेंट से पहले हुई। उस इवेंट के बाद क्या हुआ, पोस्ट जलियांवाला बाग हुआ क्या, कि हमारे जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ थी, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, बंगाली पोएट, और नोबेल प्राइज़ भी मिला था उनको, उन्होंने अपना जो है नाइटहुड दे दिया, जो उनको 2015 में मिला था, उन्होंने रिनाउंस कर दिया, त्याग दिया। महात्मा गांधी भी, उन्होंने केसरे हिंद की उपाधि उनको मिली थी, टाइटल मिला था, क्योंकि उनका जो पार्टिसिपेशन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत अच्छा था, इसीलिए उनको केसरे हिंद के टाइटल मिला था। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट ये हुआ कि वॉइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो कि बहुत ही पावरफुल पोजीशन होती है वहाँ पे रह आना, वॉइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर शंकरन नारायण जो थे उन्होंने बेसिकली रिजाइन कर दिया इस पोस्ट से, इन द प्रोटेस्ट ऑफ सोल इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से इन द प्रोटेस्ट ऑफ जलियांवाला बाग इंसिडेंट, करेक्ट। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट थी कि उस टाइम पे चेम्स फोर्ड जो थे वो वॉइस रॉय थे, करेक्ट। इसके अलावा अब ये सारा जो इंसिडेंट हो गया है, इसके लिए एक कमेटी बैठाई गई, हंटर कमीशन, हम सभी को पता होता है, बहुत ही फेमस है हंटर कमीशन, बट इसमें इसका जो दूसरा नाम था दैट इज डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी, तो ज़रूर याद रखेंगे, डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी। नाउ व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑल दीज थिंग्स सो मच, बिकॉज ऑब्वियसली जलियांवाला बाग एग्जाम जो है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहीं से मेजर पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे, बिकॉज जलियांवाला बाग वॉज इन द न्यूज़, राइट। चलो, तो डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी जो है ये फॉर्म हुई, और ये सारा का सारा जो है, इन्होंने पूरा का पूरा जलियांवाला बाग मैसेकर क्यों हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग शहीद हुए, वो सारा इन्होंने डिस्कस करना था। इसी में हंटर कमीशन इसे कहा जाता है, इसका दूसरा नाम ये है। और अल्टीमेटली होता क्या है, अल्टीमेटली जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है, दैट इज़ द फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल जो गांधी जी ने लॉन्च किया था, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, इसकी वजह से, इसके एक पॉइंट की वजह से ये भी शुरू हो गया, करेक्ट। तो ये सारा पोस्ट जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, इस तरीके से टाइटल दिए गए, त्याग दिए गए, और कुछ और कमिटीज को सेटअप किया गया, कि ये सारी चीज़ें हैं। सो हमने वी डिस्कस्ड अलॉट अबाउट द जलियांवाला बाग, द कॉन्ट्रोवर्सी दैट इज रिलेटेड टू दिस रेनोवेशन। इसके अलावा हमने कुछ करंट इवेंट्स देख लिए और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ जलियांवाला बाग भी देख लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगेन द सिख रेजिमेंट। सिख रेजिमेंट ने सेलिब्रेट किए 175 ईयर्स ऑफ इट्स रेजिंग, सो 175 साल जो है अपनी रेजिंग के इन्होंने सेलिब्रेट किए हैं। सिख रेजिमेंट बहुत ही एक डेकोरेटेड रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की, और इसका जो रेजिमेंटल सेंटर है वो रामगढ़ कैंट झारखंड के अंदर है, ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा रीड करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इस दिन जो है इन्होंने सैनिक सम्मेलन कराया, अपने सैनिक जो जवान ऑफिसर सबको इकट्ठा करके एक सम्मेलन हुआ, थोड़ा सा पार्टी हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। ही रिलीज द फर्स्ट डे कवर ऑल्सो, मतलब किसने, जो रेजिमेंट के जो कर्नल होते हैं उन्होंने रिलीज किया, कर्नल ऑफ सिख रेजिमेंट लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन, तो इन्होंने फर्स्ट डे कवर जो है वो इंट्रोड्यूस किया। फर्स्ट डे कवर एक्चुअली क्या है, सिख मैगजीन है, सिख रेजिमेंट का सारा जो चीज़ें हैं वो इस मैगजीन के अंदर मिलेगी आपको फर्स्ट डे कवर के नाम के ऊपर, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट बटालियन जो सिख रेजिमेंट की है वो रेज हुई थी 1846, 1846 में 30 जुलाई, तो 30 जुलाई 1846 में फर्स्ट बटालियन ऑफ सिख जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी एज अ फिरोजपुर सिख, 14th फिरोजपुर सिख, करेक्ट। ठीक है, बहुत सारी बैटल लड़ी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इंडिपेंडेंस से पहले बहुत सारी बैटल लड़ी, और साथ ही साथ आपको पता होगा दैट इज 1897 की बैटल का, 1897 बैटल ऑफ सारागढ़ी। तो बैटल ऑफ सारागढ़ी जो है अभी भी इसके ऊपर फिल्म भी बनी है, और इट इज़ द ब्रेवेस्ट बैटल सो फार जो हिस्ट्री ऑफ
किसी भी फौज की हिस्ट्री के अंदर ये ब्रेवेस्ट बैटल मानी जाती है, और इट इज़ ऑल अबाउट द इथॉस ऑफ लास्ट मैन लास्ट राउंड बैटल। तो ये सारी चीज़ जो हमने अभी सिख रेजिमेंट के ऊपर पढ़ी, इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है जो अच्छी चीज़ है, जो दिखाती है कि अभी भी यूथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है कि हाँ मुझे फौज को ज्वाइन करना है। रिसेंटली होता क्या है कि एक डेटा शो किया जाता है, अ डेटा दैट वॉज शेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो डेटा दैट वॉज शेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन द लोकसभा, उसमें बताया गया है कि कितना जो है हर स्टेट रिप्रेजेंटेशन करता है उसका यूथ इन द ट्रूप्स फोर्सेस के अंदर, आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर। तो ये बताया जाता है इस रिपोर्ट के तहत, इस डेटा के तहत ये बोला जा रहा है कि जो हमारी नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, ये जो स्टेट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं फोर्सेस के अंदर, जो आर्म फोर्सेज है आर्मी नेवी एयरफोर्स उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट इज इनकी जो इनका जो प्रोपोर्शन है, इनका जो परसेंटेज है वो ओआरस के अंदर भी बहुत है। ओआरस मतलब अदर रैंक्स, मतलब जैसे सिपाही हो गया, हवलदार हो गया, वो रैंक के अंदर भी इनका प्रोपोर्शन अच्छा है, और साथ ही साथ कमीशन ऑफिसर्स के अंदर भी इनका जो भागीदारी है काफ़ी अच्छी है, करेक्ट। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि बेसिकली जो हमारा नॉर्थ इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है आर्म्ड फोर्सेस के अंदर भर्ती में, चाहे वो सिपाही का सिपाही रिक्रूटमेंट है या फिर कमीशन ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है। तो पंजाब लीड्स अमंग द नॉर्थ स्टेट्स, ठीक है। सो ये बिल्कुल आप इस पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हो, यू कैन यूज़ इट व्हेन देयर इज़ अ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात जब आती है, या एक रोल ऑफ इन पंजाब यूथ इन द आर्म फोर्सेज। तो यो रोल ऑफ पंजाब यूथ इन द आर्म फोर्सेज, या नॉर्थ इंडिया का जो यूथ है उसका रोल जो है इन इन द आर्म फोर्सेज, उसके ऊपर, उसके अंदर जो है ये पॉइंट्स आप ज़रूर इसको लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर डेटा की बात करें सेंसस 2011 के हिसाब से, तो जो कलेक्टिव पॉपुलेशन है पंजाब की इतनी जस्ट कंस्टिट्यूट 7.47%, पॉपुलेशन सिर्फ 7.47% है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है ट्रूप्स के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा साइन है, ये एक अच्छी चीज़ दिखाता है कि हमारा जो यूथ है नॉर्थ इंडिया का वो काफ़ी ज़्यादा प्रेरित रहता है, चाहे वो सिपाही रिक्रूटमेंट है, चाहे कमीशनड है या JCO रिक्रूटमेंट है, करेक्ट। चलिए, तो यू कैन यूज़ दीज पॉइंट्स इन योर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में आप, मैंने आपको दो पॉइंट्स बता दिए कि रोल ऑफ पंजाबी यूथ इन द आर्म फोर्सेस, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ एक छोटा सा करंट अफेयर है, एक बुक का नाम है, वो बुक का नाम हम लोग पढ़ लेते हैं। दैट इज़ ब्रिटिश हिस्टोरियन की ये बुक है, गी बाउमेंस बुक, टू बी रिलीज्ड ऑन September 1। अब इस बुक का नाम क्या है, द इंडियन कंटिजेंट द फॉरगॉटन मुस्लिम सोल्जर्स ऑफ डनकर्क, ठीक है। तो ये किताब का नाम है जो इन्होंने लॉन्च की है, इन्होंने लिखी है, घी बाउमेन, और ये पब्लिश की है पैन मैकमिलन ने, जिसमें बताया गया है कि इंडियन सोल्जर्स जो वर्ल्ड वॉर वन के टू के अंदर किस तरीके से इवैक्यूएट हो रहे थे, 1940 की बात हो रही है। सो थोड़ा सा याद रखिएगा ज़रूर कि घी बाउमेन्स जो है, घी बाउमेन्स, इनका जो है किताब का नाम है इंडियन कंटिजेंट, द इंडियन कंटिजेंट द फॉरगॉटन मुस्लिम सोल्जर्स एंड डनकर्क, और इसमें इंडियन सोल्जर्स की बात कर रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, कैसे इन्होंने इवैक्यूएट किया, ये इसकी बात हो रही है, क्लियर हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही करंट इवेंट, हमने हरियाणा के करंट इवेंट के अंदर भी इस चीज़ को पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा था। वी टॉक अबाउट दी स्टबल बर्निंग, स्टबल बर्निंग जो पराली होती है उसको बर्न करने का अब सीज़न आ चुका है, और ये जो प्रोसेस है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होने वाला है, और अब गवर्नमेंट कैसे कैसे स्टेप्स उठा रही है, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट, ठीक है। तो 25 करोड़ का इंसेंटिव, 25 करोड़ की फाइनेंशियल हेल्प जो है इंडस्ट्रीज़ के लिए गवर्नमेंट अब देना शुरू कर चुकी है। पंजाब गवर्नमेंट इज़ लुकिंग टू इंसेंटिवाइज इंडस्ट्री इंक्लूडिंग द डिस्टिलरीज हो गया या ब्रूरीज हो गया, इन अ बिड टू टैकल द मेनेंस ऑफ पैडी स्टबल या फार्म फायर्स, ठीक है। इसको टैकल करने के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं, करेक्ट। तो ये सारे पैसे जो हैं, ये सारे जो इंसेंटिवाइज किया जा रहा है ताकि ये लोग जो है अपना जो स्टबल बर्निंग है, ये जो इनके थ्रू हो रही है उसको रोका जा सके और इतना ज़्यादा प्रभाव ना पड़ पाए इस सीज़न के अंदर।
मैंने आपको बोला कि जो मॉनसून सीज़न होता है उसके बाद ये इशू क्रिएट हो जाता है। मॉनसून सीज़न में इतना पॉल्यूटेंट का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि जितने भी पॉल्यूटेंट होते हैं वो वॉश्ड अवे हो जाते हैं, बट उसके बाद जो टाइम पीरियड होता है उसमें ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, जहाँ पे स्टबल बर्निंग होती है, जहाँ पे पराली को जलाया जाता है। हरियाणा पंजाब के अंदर मेजरली ये होता है, और उससे क्या होता है फिर उनके पास टाइम भी कम रहता है फार्मर्स के पास, तो वो ये तरीका ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और उसके बाद विंटर शुरू हो जाती है, तो विंटर्स में उन्हें रबी क्रॉप जो है वो सो करनी होती है, तो टाइम इनके पास बहुत ही कम रहता है इस वजह से। बट और भी देख लेते हैं क्या क्या इसमें फैक्ट फिगर है, ठीक है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा, तो गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से 2020 में ओवर 76,500 फार्म फायर्स जो थे वो पंजाब के अंदर रिपोर्ट किए गए थे, ठीक है। हम लोग डेटा इस बेसिस पे पढ़ रहे हैं कि क्या ये चीज़ सुधर रही है या बिगड़ रही है, वो चीज़ देखेंगे। 2019 के हिसाब से देखा जाए तो नंबर स्टूड एट 52,900, ठीक है। 2018 की बात करें तो 51,700 इंसिडेंट्स देखे गए, सो हर सीजन में। तो दैट मीन्स वॉट वी कैन सी द ट्रेंड इज इंक्रीजिंग, सो राइजिंग ट्रेंड देखा जा रहा है। 2020 में 75,000 से ज़्यादा, 52,000 से 52,000 से ज़्यादा, 51,000, दैट मीन्स इट इज़ कीप ऑन राइजिंग, ट्रेंड राइज होता जा रहा है, ठीक है। तो ये एक बैड साइन है, एक सही चीज़ नहीं है, ओके। सो हर सीजन में 15 मिलियन टर्न्स ऑफ पैडी स्ट्रॉ जो है वो बर्न कर दी जाती है ओपन फील्ड के अंदर अहेड ऑफ विंटर सोइंग। तो मैंने आपको बता दिया कि मॉनसून जैसे ही खत्म होगा वो छोटा सा जो टाइम पीरियड होता है विंटर आने से पहले, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये जो ट्रेंड है वो राइज करता हुआ दिख रहा है हमारे को अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा पंजाब का, ठीक है। सो हम लोग बहुत ही तरीके से समझ लेते हैं कि ये जो स्टबल बर्निंग है, ये स्टबल बर्निंग में एक्चुअली में स्टार्टिंग एंडिंग क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, न्यूज़ के अंदर इसीलिए है क्योंकि अब अगेन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि वो टाइम दोबारा ना आ जाए। इस वजह से क्या है, उस वजह से गवर्नमेंट को बार बार प्रेशराइज किया जा रहा है, बार बार बोला जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कीजिए जो भी इम्पॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं स्टबल बर्निंग के, उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। क्लियर हो गया? सो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, अब सेंटर भी फेस कर रहा है क्रिटिसिज्म। क्यों सेंटर फेस कर रहा है? फार्मर्स प्रोटेस्ट तो ऑब्वियसली कर ही रहे हैं, उनसे भी क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है। बट एक चीज़ और है जो वो क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है, दैट इज़ कि एयर कमीशन बिल जो 2021 के हिसाब से, एयर कमीशन बिल है 2021, उसके हिसाब से पीनलाइज किया जाएगा फार्मर्स को फॉर बर्निंग स्टबल। अगर वो स्टबल बर्निंग करेगा तो उसको पीनलाइज भी किया जा सकता है, उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है, जो कि पनिशमेंट भी मिल सकती है थ्रू दिस एयर कमीशन बिल 2021। तो इसमें भी गवर्नमेंट को फेस हो रहा है क्रिटिसिज्म, और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि ये चीज़ जो है पास ना हो, ये चीज़ ना हो पाए, पिनलाइज ना हो फार्मर, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द होल प्रॉस्पेक्ट, अबाउट द होल एस्पेक्ट। देखिए, स्टबल जो हम लोग पराली कहते हैं, ये बेसिकली इसको जला दिया जाता है फटाफट, जैसे ही फसलों की कटाई होती है। कटाई करते टाइम जो हमारे बड़े बड़े हार्वेस्टर्स होते हैं, मशीन मैकेनाइज, जो पंजाब में मैकेनाइजेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे मशीनों का यूज़ किया जाता है, तो उसमें जो मशीनें पूरी नीचे से कटाई नहीं करती, थोड़ा सा एरिया जो है रेसिड्यू बच जाता है, स्ट्रॉ रह जाती है, अंडरस्टैंड। अब वो स्ट्रॉ को क्या किया जाता है, अब उस स्ट्रॉ को ख़त्म करना ज़रूरी है, तभी नेक्स्ट जो क्रॉप है, दैट इज़ नेक्स्ट विंटर क्रॉप, रबी क्रॉप है, उसको सो किया जा सकता है। अब वो जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही छोटा होता है, दैट इज़ अ वेरी शॉर्ट इंटरवल, और इसमें क्या है, शॉर्ट इंटरवल है, और इसमें अगर ज़्यादा टाइम लग जाए तो इनको जो है नेक्स्ट फसल को उगाने के लिए, सो करने के लिए टाइम लगेगा, दैट विल लीड टू कंसिडरेबल लॉस फॉर दी फार्मर्स, ठीक है। तो बर्निंग जो होता है फार्मर्स के लिए अल्टीमेट एक चीपेस्ट और एक फास्टेस्ट तरीका है इन स्टबल से छुटकारा पाने का, ठीक है। साथ ही साथ बर्निंग को अगर पराली, मतलब ये जो स्ट्रॉज हैं, इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए फील्ड के अंदर, तो क्या होने वाला है, ये जो पेस्ट होते हैं, ये पेस्ट लाइक टर्माइट्स जो होते हैं, ये आगे आने वाली जो क्रॉप है, क्योंकि वो जो हमारे पराली है उसके अंदर कुछ पेस्ट होंगे, वो पेस्ट क्या करेंगे, आगे आने वाली क्रॉप को भी नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। सो ये एक तो इकोनॉमिक जो कंडीशन है फार्मर्स की, वो अलाउ नहीं करती कि वो कुछ अलग अलग इनोवेटिव मैकेनाइज मेथड लेकर आए, बहुत तगड़े लेवल पे हाइब्रिड मैकेनाइज सिस्टम लेकर आए, ताकि वो स्टबल को रिमूव कर पाए। क्लियर हो गया? चलो,
अब मेजर कॉजेज़ क्या है? मेजर कॉजेज़ मैंने आपको एक दो तो चीज़ें बता दी कि टेक्नोलॉजी का एक तो प्रॉब्लम है, हमने बहुत ज़्यादा मैकेनाइजेशन जो किया हुआ है, उस मैकेनाइज हार्वेस्टिंग की वजह से क्या रहता है, कुछ इंचेस जो होती हैं स्टबल की वो फील्ड में ही रह जाती हैं। पहले क्या रहता था कि ये जो कुछ इंचेस स्टबल की जो फील्ड में रह जाती थी, रेसिड्यू रहता था, इसको हम लोग उखाड़ते थे, फार्मर्स उखाड़ते थे और कुकिंग के लिए यूज़ कर लेते थे एज अ फ्यूल, राइट, या फिर एनिमल्स के लिए यूज़ कर लिया जाता था कि हाँ चलो उनके जहाँ पे वो रह रहे हैं उनका वहाँ पे बिछाने के लिए इनको यूज़ कर लिया जाता था, या फिर घरों के अंदर इसको यूज़ कर लिया जाता था, ठीक है। बट नाउ अब ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो पर्पसेस हैं, अब सब आउटडेटेड हो चुके हैं, तो इसी वजह से अब इनका यूसेज इस तरफ नहीं हो पाता, इसीलिए इनको बर्न कर दिया जाता है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे आपको इसको हम लोग फॉडर की तरह भी यूज़ नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा। जैसे ये जो स्ट्रॉ होते हैं, इनमें सिलिका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, सिलिका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। अब सिलिका को डाइजेस्ट करने के लिए काफ़ी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। सो हमारे जो लाइव स्टॉक होता है, एक्सेप्ट दी गोट, गोट को छोड़ के बाकी जो होते हैं लाइव स्टॉक, उसके अंदर सिलिका कंटेंट को एज अ फॉडर उसको कंज्यूम करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स इतने पावरफुल नहीं होते। इसीलिए जैसे फॉर एग्जांपल राइस स्ट्रॉ की बात करते हैं, इज कंसिडर्ड यूजलेस, है ना, यूजलेस कंसिडर किया जा सकता है एज अ फॉडर, ठीक है, फॉडर बिकॉज ऑफ हाई सिलिका कंटेंट। और हाई सिलिका कंटेंट जो है हम लोग एज अ फॉडर जो है जिस किसी लाइव स्टॉक अपने पशुओं को देंगे तो वो फिर उनको पचा नहीं पाएंगे, ठीक है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। गोट्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं बट वो एक पॉसिबल तरीका नहीं है, दैट इज़ नॉट अ एक्सेसिबल थिंग टू डू एट अ लार्ज स्केल, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या क्या इफेक्ट्स हैं स्टबल बर्निंग के। स्टबल बर्निंग का इफेक्ट नंबर वन इज पोल्यूशन। तो पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है कि जब बर्न किया जाता है तो टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स जो हैं वो इमिट होते हैं। उसमें कौन कौन सी हार्मफुल गैसेज होती हैं, जैसे CH4 हो गए, CO2 हो गया, CO हो गया कार्बन मोनोक्साइड, और VOC हो गए, वॉलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और काफ़ी सारे कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं जो एमिट होते हैं, करेक्ट। इतना क्लियर हो गया। अब इसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली ये सारे पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं एक थिक ब्लैंकेट बना लेते हैं स्मोक की, और ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। बहुत सारे हमारे जो पंजाब के एरियाज़ हैं, हरियाणा के एरियाज़ हैं, वहाँ पे यू विल फाइंड इट। ये अब धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा, जैसे ही ये स्टबल बर्निंग का अब ट्रेंड अगेन पकड़ा जाएगा, तो दोबारा से आपको ये थिक स्मोक क्राउ ब्लैंकेट जो है बहुत विजिबल देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम होता है सॉइल फर्टिलिटी का। जब बर्न कर दिया जाता है, ये जो रेसिड्यू होता है इसको बर्न करते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो इससे नुकसान ऑब्वियसली यही होता है कि फर्टिलिटी कम हो जाती है, और साथ ही साथ जब बर्निंग किया जाता है तो बर्निंग से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो पेनिट्रेट हो जाती है सॉइल के अंदर, वो चले जाती है सॉइल के अंदर, और इससे जो सॉइल का मॉइस्चर होता है और यूजफुल माइक्रोब्स होते हैं वो सब जो है ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। सो इतना आप ज़रूर याद रखेंगे, इफ़ेक्ट्स पोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। सॉइल फर्टिलिटी की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स इसके ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, हीट पेनिट्रेशन की वजह से क्या होता है, मॉइस्चर या यूजफुल जो माइक्रोब्स होते हैं वो भी इसमें ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, नाउ अब हम लोग बात करेंगे क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं स्टबल बर्निंग के, इसको रोकने के और क्या तरीके हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो है, इन सेतु ट्रीटमेंट किया जा सकता है, एक्स सेतु ट्रीटमेंट किया जा सकता है। उस जगह पे रह के ही हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट किया जा सकता है ज़ीरो टिलर मशीन के थ्रू, ठीक है, एंड बायो डीकम्पोजर्स का भी यूज़ किया जा सकता है फॉर दिस थिंग, ठीक है, इन सीटू ट्रीटमेंट के लिए। अगर हम XC2 की बात करें, XC2 के अंदर हम लोग यूज़ ऑफ राइस स्ट्रॉ एज अ कैटल फॉडर जो है यूज़ किया जा सकता है। मैंने आपको कहा कि जो राइस स्ट्रॉ है, जो भी रेसिड्यू बच जाता है उसको हम लोग एक फॉडर की तरह यूज़ कर सकते हैं गोट्स के लिए, ठीक है। गोट्स का डाइजेस्टिव एंजाइम्स बहुत अच्छे होते हैं तो उनके लिए यूज़ किया जा सकता है, फॉडर एज अ फॉडर, कैटल फॉडर किया जा सकता है। इसके अलावा वी हैव अनदर पॉइंट, दैट इज़ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी में ये जो मशीन है दैट इज़ कॉल्ड एज टर्बो हैप्पी सीडर मशीन, टर्बो हैप्पी सीडर मशीन,
विच कैन अप्रूट द स्टबल, मतलब प्रॉपरली उसको निकाल सकते हैं ज़मीन से, एंड उसको जो है ऑल्सो सो द सीड्स इन द एरिया जो क्लियर, जो लैंड क्लियर की गई है, ठीक है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं, ये इसको प्रॉपरली जो है यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है और अभी एक्सेसिबिलिटी इस टर्बो हैप्पी सीडर की बहुत ही कम है। वे फॉरवर्ड की बात करें तो वे फॉरवर्ड में यही है कि फाइन लगाना इज़ नॉट अ प्रॉपर सोल्यूशन, ठीक है। आप फाइन लगा देंगे इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एज़ फार एज द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स आर कंसर्न, ठीक है। तो अगर उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी वेल ऑफ नहीं होगी और आप ऊपर से फाइन भी लगा देंगे तो वो कोई एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। तो हमें ऑल्टरनेट एक सस्टेनेबल सोल्यूशंस के ऊपर काम करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताया इन सीटू एक्स सीटू जो ट्रीटमेंट्स है वो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ऐसी भी कुछ मशीनें हैं जो मशीन्स की बात मैंने की थी, वो मशीनें भी यूज़ की जा सकती हैं फार्मर्स के थ्रू, जहाँ पे वो ये जो जो रेसिड्यू है उसको निकाल सकते हैं, अपरूट कर सकते हैं और उसकी जगह प्रॉपर जो है अगेन अनदर क्रॉप जो है वो सो किया जा सकता है, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक्स टू मैनेजमेंट की बात करें तो सम कंपनीज हैव स्टार्टेड द कलेक्टिंग द स्टबल, क्योंकि यही स्टबल से हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंपनीज ने इथेनॉल एक्सट्रैक्ट करना भी शुरू कर दिया है। तो यही स्टबल से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है इथेनॉल, यही स्टबल से इथेनॉल जो है, नॉल जो है एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और इससे जो है इसको ब्लेंड किया जा सकता है इन पेट्रोल के साथ। इथेनॉल ब्लेंडिंग भी बहुत आराम से हो सकती है, ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडिंग भी की जा सकती है। और बट मोर एफर्ट्स ऑन दिस फ्रंट इज नीडेड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी आए और एस्टेब्लिश करें अपने आप को और इस तरीके से स्टबल को कलेक्ट करके आगे जाके वो इथेनॉल एक्सट्रैक्ट करके ब्लेंडिंग भी कर सकती हैं। इसके अलावा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को स्पेशली नीड सपोर्ट फॉर एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इन सीटू स्ट्रैटेजीज। तो इस चीज़ के लिए क्या करना ज़रूरी है, आपको इंसेंटिवाइज करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिवाइज कीजिए फार्मर्स को और अकाउंटेबिलिटी भी रखिए कि किसने कितने फार्मर ने उस अमाउंट का पैसा यूज़ करके उसको अल्टीमेटली स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए किया है। तो वो अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए, दोनों तरफ से चाहिए, फार्मर्स की तरफ से भी चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से भी चाहिए, क्लियर। बट पेनल्टी लगा देना विदाउट एक्सेस टू सोल्यूशन डज नॉट वर्क, दैट इज़ द अल्टीमेट कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, एंड आज जो है हमने कुछ प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, जलियांवाला बाग वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, वी टॉक्ड अबाउट द करंट एस्पेक्ट ऑल्सो, इवेंट जो अलग अलग हुए, और वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट सम इम्पॉर्टेंट मीन्स मतलब टॉपिक्स, फॉर एग्जाम्पल जलियांवाला बाग के ऊपर एंड स्टबल बर्निंग के ऊपर। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू।